Myself, Dr. Kanhaiya Singh. Today I am going to discuss about new topic of medicinal plant, and that topic related to part 2, paper 4 and group B. इसमें जो मैं आपके सामने आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो पौधा आपके सामने है, वो पौधा आपके सामने है, आप इसे ध्यान से पहले देखें और इस पौधा को ध्यान से देखने के बाद आप इसे पहचानें कि ये किस चीज़ का पौधा है, और तब इसके बाद मैं डिटेल से इस पौधे के बारे में आपको समझाऊंगा, और जो भी कठिन शब्दावली है, जो भी वैज्ञानिक शब्दावली है, उसको आप अपने नोटबुक पर नोट करेंगे और समझेंगे, जानेंगे, और फिर उसको पढ़कर और विस्तृत दायरे में उसको समझेंगे। तो आपने इस पौधे को पहचान लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा आशा है कि आप इस पौधे को पहचान लिए होंगे, क्योंकि यह मेडिसिनल प्लांट भी एक कॉमन प्लांट है जो सभी जगहों पर पाया जाता है। अब मैं इसके बारे में डिटेल से बतलाऊँगा। अब इसके बारे में आप देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो पौधा है आपने पहचाना है, ये नीम का पौधा है। किसका पौधा है? नीम का पौधा है। और नीम का आयुर्वेदा में या अन्य कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो टीचिंग पॉइंट्स है, जो शिक्षण बिंदु है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। फर्स्ट, टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ दिस प्लांट, एंड सेकंड पॉइंट अबाउट प्लांट्स, एंड थर्ड पॉइंट मेडिसिनल यूज एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ द प्लांट। टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ द प्लांट क्या है कि इस पौधा का बोटेनिकल नेम है, वैज्ञानिक नेम है आजादी रचता इंडिका। आजादी रचता इंडिका, ऑर्डर है सेपिनडेल्स, और क्लास है मैग्नोलियोफाइटा, और फैमिली है मेलिएसी, और जेनस आजादी रचता स्पेसीज इंडिका। ये टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ दिस प्लांट है, और इसमें आपने देखा कि इसके वैज्ञानिक नाम में, इसके साइंटिफिक नेम में आजादी रचता इंडिका है। नीम का पौधा मूल रूप से भारतीय उप महाद्वीप का मूल पौधा है, इसीलिए आप इसका साइंटिफिक नेम आजादी रचता इंडिका है, और इसी आजादी रचता इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, जिसके कारण इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों में किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट हम जो आ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, वो है अबाउट प्लांट्स। आपको दिखाया, इस पौधा को जरा ध्यान से देखेंगे कि ये पौधा इट इज यूज्ड इन मल्टीपल वेज टू इंश्योर आवर फिजिकल वेलफेयर। हमारे शारीरिक कल्याण के लिए, फिजिकल वेलफेयर के लिए इस पौधा का मल्टीपर्पस, मल्टी वेज हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यूज इन मल्टीपल वेज टू इंश्योर आवर फिजिकल वेलफेयर। एंड सेकेंड पॉइंट है, दिस हम्बल ट्री इज पावर हाउस ऑफ हेल्थ बेनिफिटिंग प्रॉपर्टी। ये पावर हाउस ऑफ हेल्थ ड्यू टू हैव डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड यूज इन दी डिफरेंट फिजिकल वेलफेयर, हेंस इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द हेल्थ। एंड थर्ड पॉइंट, नीम इज ए जनरल इज ए ग्रेट फॉर आवर हेल्थ। और अगला पॉइंट, वी कैन टेक एनी पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर यूज। इस पौधा का कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन यूज फॉर द मेडिकल पर्पस। और इसका कोई भी भाग हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ हेल्थ कहते हैं। इसके बाद, वी कैन नॉट रियली टर्न अवे फ्रॉम द पावर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये पावर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज पावरफुल इंग्रेडिएंट दैट आर ग्रेट फॉर द ह्यूमन वेल्थ हेल्थ एंड ब्यूटी। ये पावरफुल इंग्रेडिएंट है,
रिगार्ड्स ह्यूमन हेल्थ एंड ब्यूटी, रिगार्ड्स ह्यूमन हेल्थ एंड ब्यूटी के दृष्टिकोण से, सुंदरता के दृष्टिकोण से भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इट इज अबाउट द प्लांट्स, ये प्लांट के बारे में जो इम्पोर्टेंट बिंदु था वो हमने आपके सामने रखा, उसको समझाया और बताने का प्रयास किया। अगला जो पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बारे में, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट, ये इसका जड़ नीचे है, ये स्टेम है, ये लीफ है, इसमें सीड भी लगा हुआ रहता है, तो इसमें सीड भी लगा हुआ रहता है, तो ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ दिस प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू एंड दे आर यूज इन डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज विच इज अप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, बहुत तरह की बीमारियों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे इसमें आप देख लीजिए, इसका जो लीफ है, आप ध्यान से देखेंगे इसका ये जो लीफ है, तो ये लीफ हो गया, और इसके बाद इसका जो बार्क है, जो ये स्टेम है, तो स्टेम का जो हम लोग छाल निकालते हैं जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, और इसके बाद इसमें जो सीड लगता है, तो बार्क, लीव्स एंड सीड्स आर दी मोर सिग्निफिकेंट देन रूट एंड फ्लावर। इसमें रूट भी होता है नीचे में, फ्लावर भी होता है, तो रूट एंड फ्लावर हैव लेस मेडिसिनल वैल्यू, बट बार्क, लीफ एंड सीड हैव मोर मेडिसिनल वैल्यू एंड दैट आर अप्लीकेबल इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब इसको एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किसका इस्तेमाल किस में करते हैं। हम सबसे पहले इस लीफ के बारे में बतलाएंगे, आप डिटेल से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। हम सिखाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। सीखिएगा तो वो ज़्यादा दिन तक आपके जीवन में उपयोग होगा, जीवन में आप उपयोग करिएगा। अब आइए यूज ऑफ लीव्स, पत्तियों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ये आपके सामने पत्ती है, हमने रखा है, ये डिटेल से आप देख लीजिए। अब देख लीजिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, हमने डिटेल से लिखा है। पहला यूज है इसका एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल इसका यूज है कि मलेरिया जो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है, तो उस के एंटी ये काम करता है कि जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर वो मलेरिया का जो मादा एनोफिल मच्छर है वो वहाँ पर नहीं रहता है, और उसके काटने से वो बीमारी से बचाव होता है। तो इस प्रकार से ये एंटी मलेरियल काम करता है, इसका लीफ जो है एंटी मलेरियल काम करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, एंटी वायरल, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए एंटी वायरल भी ये काम करता है, विषाणु से ये बचाव का काम करता है। अगला पॉइंट है एंटी फंगल, एंटी फंगल के मतलब कोई भी फंगस, फंजाई, कवक के कारण किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन से भी ये बचाव करता है, उसके जगह हम इसको पीस कर लगाते हैं तो इससे बचाव करता है। जैसे इसको पानी में उबाल कर और उस पानी से हम लोग नहाते हैं तो बालों में जो डैंड्रफ होता है वो डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार इट इज अप्लीकेबल इन एंटी फंगल, एंटी फंगल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी बैक्टीरियल, जो जीवाणु है, ए काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाई नेकेड आई, जिसको हम अपनी नग नाकों से नहीं देख सकते हैं, तो उससे बचाव में ये काम आता है, इसलिए हम लोग उस जीवाणु में किसी भी तरह का कोई काउजल ऑर्गेनिज्म है जिससे तरह तरह की बीमारी फैलती है तो उसे बचाने का भी काम करता है। इसके बाद एंटी अल्सर, अल्सर बीमारी जो होती है जो स्टोमक में और डियोडेनम में होता है, तो जो अल्सर बीमारी होती है, अल्सर दीवार ऑफ द स्टोमक एंड डियोडेनम की जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता है उसको रिड्यूस कर देता है, और ऐसे एसिड ज़्यादा निकलता है जो स्टोमक के टिश्यू को डाइजेस्ट कर जाता है, तो स्टोमक में लाइनिंग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्सर। तो उस प्रकार के अल्सर से भी बचाने में ये इसका काम आता है। प्रतिवाद है एंटी म्यूटाजेनिक, म्यूटाजेनिक एजेंट्स है, बहुत सारे म्यूटाजेनिक एजेंट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन,
डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन सडन चेंज इन दी क्रोमोजोम, सडन चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो उस म्यूटेशन के जेनेटिक चेंज में एंटी म्यूटाजेनिक का ये काम करता है। इसके बाद आइए इम्यूनो मोडुलेटरी, इम्यूनो मोडुलेटरी का मतलब मोडुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता है, इन होम्योस्टेटिस और इम्यून सिस्टम को होम्योस्टेटिस कंडीशन में रखता है। तो इस प्रकार एक्ट एज ए इम्यूनोमोड्यूलेटर, इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में भी ये काम करता है। इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है एंड रिलीव पेन, और पेन से दर्द से किसी भी तरह का दर्द से राहत देता है। तो इस प्रकार से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मतलब अल्टरिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, अल्टरिंग द ग्लूकोज लेवल द ब्लड, आइदर रिड्यूस और इंक्रीज, या घटाता है बढ़ाता है, तो ब्लड में शुगर लेवल को हमेशा परिवर्तित करते रहता है। तो इस प्रकार से ये एंटी हाइपर ग्लूसेमिक के रूप में भी काम करता है और ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट, अगला पॉइंट है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हो गया कि न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स इन दी आवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज, जो बहुत से बीमारियों के लिए जड़ होता है। तो वो एंटी रेडिकल को बनने से रिड्यूस न्यूट्रलाइज दी हार्मफुल फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद अगला पॉइंट 11, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक के रूप में भी काम करता है। इट मीन्स दैट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को रोकता है, हेंस एक्ट एज ए एंटी कार्सिनोजेनिक। इसके बाद 12 नंबर है, ट्रीट्स डैंड्रफ, डैंड्रफ जो बाल में हम लोग का डैंड्रफ होता है, गंदगी के कारण बाल में डैंड्रफ फैल जाता है, तो बॉयल लीफ इन वाटर, पानी में नीम के पत्ता को डाल दीजिए, उसे उबाल दीजिए और उसे बाल को धो लीजिए, तो उसे डैंड्रफ भी खत्म होता है। और क्लियर एसिनी, क्लियर एसिनी मतलब स्कार्स पिगमेंटेशन एंड ब्लैक हेड, शरीर में किसी भी तरह का कोई चेहरे पर झुर्री है या पिगमेंटेशन है, उसको वो खत्म करता है। अगला पॉइंट लाइटन स्किन ब्लीमिशेज, तो ये पेस्ट दी नीम पाउडर, तुलसी लीफ एंड सैंडल, चंदन का पाउडर और नीम का पाउडर तुलसी के पत्ता के साथ मिला दीजिए और उसको रोज वाटर गुलाब जल के साथ मिला दीजिए और गुलाब जल के मिलाने के साथ अपने फेस पर लगाइए और फेस पर लगाने के बाद उसे ठंडा पानी से धो दीजिए, जो है एकदम चेहरा चमकने लगेगा, चेहरा खिलने लगेगा। इस प्रकार से ये स्किन को भी बिल्कुल साफ रखता है। अगला पॉइंट है डिले एजिंग ऑफ स्किन देते हैं, तो लीव्स हैव रीजनरेटिव प्रॉपर्टी एंड हेल्प द स्किन फाइट्स पैथोजेन प्रेजेंट बिलो इट्स सरफेस, जो स्किन के अंदर कोई पैथोजेंस है, दैट पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉय द स्किन सरफेस, तो उस पैथोजेन को मार देता है, जिसके चलते स्किन का जो है चमक बना रहता है। तो इस प्रकार से ये डिले एजिंग ऑफ स्किन इसमें भी काम करता है। इसके बाद अंतिम पॉइंट्स है यूटिलाइजेशन ऑफ द लीफ एज ए मेडिसिनल वैल्यू, अंतिम पॉइंट एडिंग नीम पाउडर टू योर फेस पैक, आप अपने फेस पैक में नीम पाउडर को मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बताया इसके लीफ के बारे में, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द लीफ ऑफ द नीम, नीम के लीफ का क्या मेडिसिनल वैल्यू है। अब हम दूसरा पॉइंट पर आते हैं, यूज ऑफ द ऑयल, माने नीम के बीज से हम जो लोग तेल बनाते हैं, तो उस तेल के, नीम के तेल का क्या उपयोग है, तो नीम के तेल का क्या उपयोग है, इसमें छोटे छोटे सीड होता है और उस सीड को सुखा देते हैं, तेल बनाते हैं, तो उसी तरह नीम के बीज का भी तेल बनाया जाता है।
और वो तेल वो आयल हैव सिग्निफिकेंट मेडिसिनल वैल्यूज हैव सिग्निफिकेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड दैट आर यूटिलाइज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज एंड अप्लीकेबल एज ए ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसके मेडिकल प्रॉपर्टी के भी बारे में आपको एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे समझेंगे। पहला पॉइंट है इसका कि ट्रीटिंग वर्म इंसेक्ट एंड मस्क्वीटो बाइट, माने नीम का तेल हम अगर अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो किसी भी तरह का कीड़ा इंसेक्ट कीट मच्छर नहीं काटता है, उसे बचाव होता है। तो ट्रीटिंग वर्म इंसेक्ट एंड मस्क्वीटो बाइट। जैसे दूसरा पॉइंट है वर्क एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट्स, माने इंसेक्ट को भगाने का काम करता है। यूज एज ए बग स्प्रे, रिपेलेंट का मतलब कि यूज एज ए बग स्प्रे, और बग स्प्रे का मतलब कि इसको स्किन पर छिड़क देने से, कपड़ा पर छिड़क देने से या सरफेस पर लगा देने से किसी भी तरह का कोई कीड़ा जो है उस कपड़े पर सरफेस पर नहीं आता है। तो इस प्रकार से उसे वर्क एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट्स के रूप में भी ये काम करता है। तीसरा चीज जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है आपके साथ, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। एंटी फंगल प्रॉपर्टी है इन डैंड्रफ एंड स्किन डिजॉर्डर, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया, बाल में डैंड्रफ हो जाए, स्किन डिजॉर्डर हो जाए, किसी भी तरह का डिले एजिंग ऑफ द स्किन, इसके बारे में भी लीफ का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके आयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट है इन ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट में आप ध्यान देंगे कि इसके आयल का उपयोग हम लोग हर्बल सोप बनाने में, शैम्पू बनाने में, क्रीम बनाने में, हेयर आयल बनाने में या किसी भी तरह के ब्यूटी पॉइंट है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी का भी इसमें पाया जाता है। अगला पॉइंट है इन आयुर्वेदा, यूज एज ए ट्रीट यूरिन इन्फेक्शन यूरिन डिजॉर्डर। आयुर्वेद में दवा के रूप में किसी भी तरह का अगर आपका यूरिन में इन्फेक्शन है उसमें भी इसका आयल का इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता है। इसके बाद एट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ आयल एज ए मेडिसिन इन काढ़ा। जो हम लोग काढ़ा बना के पीते हैं सर्दी में, खांसी में, जुकाम में या शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो उस काढ़ा में जैसे अदरक और अदरक प्लस तुलसी का पत्ता और ब्लैक पीपर गोल मिर्च को क्रश करके, अदरक तुलसी का पत्ता और ब्लैक पीपर को क्रश करके हम मिला देते हैं, उसमें ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ द आयल ऑफ द नीम मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद उसको पीते हैं, तो वो भी आपके शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। बी रॉन्ग टू क्रेडिट नीम आयल एज ए मैजिक पोषण। अगर हम नीम के आयल को मैजिक पोषण भी कहते हैं, अगर क्रेडिट देते हैं, तो ये कोई गलती नहीं होगी, इसलिए कि डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांट यूज और अप्लीकेबल इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज। हमने अभी बताया इस लीफ के बारे में और सीड के बारे में। इसके अलावा आप देखिए कि इसका जो स्टेम है, अभी सीजन आप देख रहे हैं स्टेम है, आप इस स्टेम को तोड़ दीजिए और इस स्टेम को तोड़ने के बाद एज ए प्रतिदिन आप जो है इसको दातून के रूप में इस्तेमाल करिए। तो दातून के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह के अंदर भी जितने भी तरह के जर्म्स बैक्टीरिया और वायरस है वो ख़त्म हो जाता है और मुंह की शुद्धता हमेशा बनी रहती है। तो वहाँ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए एस्टोरेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स, इसके लीफ का इस्तेमाल आप देख लीजिए कि एस्टोरेशन ऑफ द फूड ग्रेन, हम लोग घर में चावल गेहूँ अगर इसको हम लोग बड़े बड़े बर्तनों में डालते हैं और लेयर बाई बनाकर इसके लीफ के पत्ता को उसको रख देते हैं, तो देखिएगा कि उस एस्टोरेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स चावल में गेहूं में किसी भी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, तो वहां भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार बिसाइड्स एवं इन डिफरेंट मिसलेनियस प्रॉपर्टी आर आल्सो यूजफुल इन डेली लाइफ, हम लोगों के दैनिक जीवन में जितना हमने आपको बतलाया, जितना हमने आपको समझाया, उसके अलावा भी इसका मल्टीपर्पस यूज है। इसके बार्क, इसका बार्क जो छाल है
उसका आप घर में जो है जला दीजिए, तो किसी भी तरह का मच्छर जो है उसके स्मेल से मच्छर नहीं आता है, तो मच्छर को भगाने में इसके बार्क का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको आज डिटेल से इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में समझाया, जानकारी दिया, बताया। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं पढ़ाता कम हूँ सिखाता ज़्यादा हूँ, ताकि आप सीखकर अपने जीवन में उसका उपयोग करिए, आगे बढ़िए। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर उसका हम सही इस्तेमाल करें तो उसका हम लोग जानकारी रखें तो हम बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन हमने विज्ञापन को से उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे घर के अगल बगल जो पौधे हैं जिसका बहुत महत्व है, तो उसका अपने हम दैनिक जीवन में कोई स्थान नहीं देते हैं और ना उसका उपयोग करते हैं। इसलिए मैं आपको इस जागरूकता अभियान में और पढ़ाने के क्रम में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप उस पौधों के बारे में जानें, समझें, सीखें, अपने जीवन में उसको अपनाएं और जीवन में उपयोग करके विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव में, घरेलू नुस्खा के रूप में भी इस्तेमाल करके और बहुत कुछ लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं और आप अपने भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आज ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर दूसरे टॉपिक के साथ हम